अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइएगा जो कि सेकंड स्लाइड है बेसिकली। अब इसमें देखें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों को समझना बड़ा जरूरी है वो ये कि आप लोगों की कंपनी होनी क्यों चाहिए। भाई बहुत से लोग बिजनेस करते हैं, मसलन एक सब्जी वाला है, एक फ्रूट वाला है, या कोई यू नो जूस वाले होते हैं, वो लोग आमतौर पर कोई कंपनी वगैरह रजिस्टर नहीं करते और उनका काम भी बहुत अच्छा चल रहा होता है, उनको कोई मसला नहीं होता। तो किसी के जहन में ये सवाल भी आ सकता है कि यार फिर हमें कंपनी फॉर्म करने की क्या जरूरत है और हम इस किस्म के मसले मसाइल में क्यों पड़े जब बगैर कंपनी फॉर्म किए भी काम हो जाता है। क्योंकि बहुत से लोगों को और आप लोगों को अगर कोई बिजनेस से बैकग्राउंड है या एक सर्टन जो एक डाउट्स लोगों के माइंड में ये होते हैं कि अगर हमने कहीं कंपनी रजिस्टर कराई तो हम लोग जो है वो गवर्नमेंट की नजरों में आ जाएंगे, या हम लोग FBR की नजरों में आ जाएंगे, या हम लोग टैक्स अथॉरिटीज की नजरों में आ जाएंगे और वो लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे और हमारी बिजनेस को मुस्तकिल चेक करना शुरू कर देंगे। तो हम जो है ना उनसे छुप के अपना काम कर लेते हैं और हमें अपने आप को रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। ये बड़ा कॉमन ख्याल है। आप लोग कभी अपने दोस्तों में बैठेंगे या आप लोग कहीं किसी से बात कर रहे होंगे, किसी और बिजनेसमैन से बात कर रहे होंगे, तो वो जनरली अभी तक पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली ये कॉन्सेप्ट है कि जी आप बिजनेस रजिस्टर करें और बगैर उसके काम कर लें तो ज्यादा बेहतर है और अपने बैंक अकाउंट को ही ऑपरेट कर लें और बिजनेस ना चलाएं, क्योंकि वो किया तो आपकी जो है ना रिकॉर्ड जो है वो गवर्नमेंट को नजर आ जाएंगे और फिर आपसे क्वेश्चन होंगे जो कि बहुत मुश्किल होंगे और आप लोगों से संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा सिलसिला अब नहीं है। ये बात ठीक है कि एक जमाने में ये वाली परेशानियां थी। अब इस वक्त मैं आप लोगों को ये बता सकता हूँ क्योंकि मैं खुद एक अकाउंटेंट हूँ, मैं अकाउंटेंसी से बिलोंग करता हूँ, मैं जो बहुत सी कंपनियां रजिस्टर कर चुका हूँ। अभी आज सुबह ही मैं वैसे ही बैठा देख रहा था कि मैंने कितनी कंपनियां अभी तक रजिस्टर की हैं, तो अबाउट 433 कंपनीज मैं अभी तक रजिस्टर कर चुका हूँ जो कि डिफरेंट यू नो उसकी है स्टैंडर्ड्स की, डिफरेंट साइजेस की कंपनी है जो रजिस्टर की है, तो इस किस्म के मसले नहीं आते। लेकिन कंपनी रजिस्टर होना बड़ा लाजमी है। आप लोगों को अगर बिजनेस सक्सेसफुली चलाना है तो बहुत जरूरी है। और उसके पीछे रीजंस क्या हैं, उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट रीजन तो ये है कि आपकी अपनी बिजनेस की अपनी एक आइडेंटिटी होना बहुत जरूरी है। अब फॉर एग्जाम्पल जी यहाँ पे मैं जी एक साहब है अब्दुल शकूर साहब, वो अगर बिजनेस चला रहे हैं और सपोज करेंगे जी उन्होंने कोई प्लेटफॉर्म IT का प्लेटफॉर्म बना लिया है और वो उसको लेकर चल रहे हैं, तो कल को अगर किसी ने इंटरेस्ट शो किया कि जी आपकी कंपनी जो है हमें बड़ी अच्छी लग रही है, हम इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, तो आप जरा हमारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करें, तो अब्दुल शकूर साहब अगर अपने नाम से एग्रीमेंट कर रहे होंगे या अपनी कंपनी के नाम से कर रहे होंगे तो आप लोगों को बेहतर कौन सा लगेगा? यानी मेरे पास अगर कोई बंदा आता है और कहता है कि जी मेरे नाम से आप एग्रीमेंट कर लें तो वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा या मेरे लिए वो अच्छा होगा कि जो मुझे ये कहे कि जी मेरी कंपनी के साथ आप एग्रीमेंट कर लीजिए, क्योंकि कंपनी तो जाहिर है एक सेपरेट एंटिटी, तो जाहिर है आपको आपकी आइडेंटिटी, आपके बिजनेस की आइडेंटिटी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बनानी होगी। क्योंकि देखें लोग आते हैं, लोग अपने कामों में लग जाते हैं, लेकिन कंपनीज अपनी जगह रहती हैं और कंपनीज अपने तौर पे ग्रो कर रही होती हैं, तो इसलिए कंपनी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। उसके जो ओनर या उसके जो इन्वेंटर या उसका जो फाउंडर होता है उससे, इसीलिए आपकी बिजनेस की एक सेपरेट आइडेंटिटी के लिए जरूरी है कि आप एक कंपनी फॉर्म करें। जाहिर है जब आप कंपनी एक सेपरेट फॉर्म करेंगे और उसके जितने भी अफेयर्स होंगे, मसलन आप बैंक अकाउंट्स आपके खुलेंगे, आपको पेमेंट्स लेनी होंगी, आपको पेमेंट्स देनी होंगी, तो वो सारा का सारा आपका एक बैंकिंग चैनल के थ्रू रूट करना चाहिए जिसमें जाहिर है आप भी सिक्योर हैं और आपकी कंपनी भी सिक्योर है और आपका सामने सप्लायर या आपका जो कस्टमर है वो भी सिक्योर है, उसको भी पता है कि वो कंपनी में पे कर रहा है या कंपनी से पैसा रिसीव कर रहा है। तो एक सेपरेट बैंक अकाउंट आपका सिर्फ उस वक्त खुल सकता है कंपनी का कि जब आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी। और जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जी अगर कोई बंदा इंटरेस्ट लेता है आपके बिजनेस में या आपके साथ आपकी कंपनी को बड़ा करना चाहता है या कोई आपको इन्वेस्टर मिल जाता है, इंशाल्लाह जब आप लोग यहाँ से निकलेंगे बूट कैंप का कोर्स कंप्लीट करके, तो आप लोगों को पता चलेगा कि देयर आर मेनी टेक्निक्स के जिससे बिजनेस को ग्रो किया जाता है। उसमें एक टेक्निक ये भी है कि जी इन्वेस्टर्स आपके साथ पैसा लगाते हैं आपकी कंपनी में, जो आपको समझते हैं कि जी आपकी कंपनी अच्छा ऑपरेट कर रही है और उनके इंटरेस्ट का फील्ड होता है तो वो लोग भी उसमें पैसा लगाते हैं। तो उनके लिए भी जरूरी है कि आप वो एक बिजनेस नेम से बात करें, एक इंडिविजुअल से बात ना करें, तो इसलिए वो जो है एक्सपेंशन के लिए भी बहुत जरूरी है कि वो हो। इसी तरीके से लोगों को जब हायर करना होता है तो हायर करने के लिए भी
कंपनी का नाम होना जरूरी है। अब्दुल चकूर साहब कितने लोगों को हायर कर लेंगे, 20 लोगों को, 25 लोगों को, लेकिन अपने नाम के अंडर अगर वो हायर कर रहे होंगे तो वो तो कोई उसका फायदा नहीं होगा। उनको बेसिकली कंपनी को, लोगों को, एम्प्लॉयज को हायर करना चाहिए और उसके साथ काम करना चाहिए। इसीलिए लोगों को हायरिंग करने में भी कंपनी के होने से बहुत फर्क पड़ता है। उसके अलग लॉज है, जाहिर है वो लॉज वगैरह हम कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इस वक्त हम कंपनी फॉर्मेशन के ऊपर हैं। इसी तरीके से आपकी जब कंपनी फॉर्म हुई हुई होती है तो बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत सारे ऐसी बिजनेस एक्सपेंडिचर होता है जो कि कंपनी को अलाव होता है कि वो ये खर्चे कर सकता है। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल हो और उसकी कंपनी ना हो और वो भी बिजनेस के लिए खर्चे कर रहा हो, तो टैक्स में जब वो अपना रिटर्न जमा करवाते हैं या अपनी डिटेल्स जमा करवाते हैं, तो टैक्स अथॉरिटीज एक इंडिविजुअल के उन एक्सपेंसेस को मानती नहीं है कि भाई ये एक्सपेंसेस हम मान लें। वो कहते हैं कि नहीं, हम इनके ऊपर आपसे टैक्स लेंगे। जबकि अगर वही खर्चे आपने एज अ बिजनेस किए होंगे तो कंपनीज आपको कहती हैं कि नहीं जी ठीक है, हम जो यानी टैक्स अथॉरिटीज कहती हैं कि हाँ जी ये खर्चा हमने मान लिया। फॉर एग्जाम्पल, मैं सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाने के लिए अगर आपको दूं कि जी अगर आपके पास एक गाड़ी है और उस गाड़ी के अंदर आप यू नो पेट्रोल डालते हैं और उसके बाद उसको बिजनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो अगर तो वो अब्दुल शकूर साहब खुद होंगे और उनकी गाड़ी में पेट्रोल डल रहा होगा, तो टैक्स अथॉरिटीज ये कहेंगी कि भाई आपने ये पेट्रोल डाल के आपने बिजनेस किया है या आप इसमें बैठ के शॉपिंग करने के लिए गए हैं, हमें क्या पता। इसलिए हम तो इसको जो है आपका एक्सपेंस नहीं मानते, तो आप इसको अपनी इनकम में से कम नहीं कर सकते, हमें टैक्स तो आपने पूरे के ऊपर देना होगा। लेकिन अगर वो गाड़ी एक कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड होगी और उसके अंदर पेट्रोल डल रहा होगा, तो टैक्स अथॉरिटीज को ये बात माननी पड़ेगी कि भाई आपने ये बिजनेस के लिए ही इस्तेमाल किया, चाहे आपने कंपनी की गाड़ी में बैठ के आप शॉपिंग करने ही गए हो, लेकिन क्योंकि कंपनी की गाड़ी है वो, तो एज्यूम ये किया जाएगा कि वो गाड़ी बिजनेस के लिए ही चली है और उसके एक्सपेंसेस जो हैं वो बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, जिस वजह से जाहिर है आपको जो टैक्स वगैरह की बचत है या जो आपकी इनकम में कमी लाई जा सकती है इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, वो आपको उसमें फायदा हो जाता है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि बहुत से लोगों को पता नहीं चलती, और वो ये होती है कि जी आपकी जो बिजनेस लायबिलिटी है वो कम हो जाती है। अब अगर आप लोग एज एन इंडिविजुअल एक बिजनेस करते हैं और खुदा ना खास्ता आपकी बिजनेस में आपको कोई नुकसान हो जाता है और आपको आपके जो सप्लायर्स हैं उनको पेमेंट करनी है या आपको कस्टमर्स को पैसे वापस करने हैं या कुछ भी करना है, तो अगर आप लोग एज एन इंडिविजुअल वो कंपनी चला रहे होंगे तो फिर तो आपसे यहाँ का जो लॉ है, इनफैक्ट इंटरनेशनल लॉ है, उसमें ये होगा कि वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप जो है वो सारा का सारे खर्चे पे करें, और उन खर्चों को पे करने के लिए अगर आपका अपना घर भी बिक जाता है तो वो घर भी आप बेचें और उसके बाद लोगों की पेमेंट्स करें जिन जिनकी पेमेंट्स आपने करनी है, चाहे वो सप्लायर की पेमेंट है, चाहे वो कस्टमर की पेमेंट है, चाहे वो कोई और चीज है, लेकिन आपको बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस पे करने होंगे। लेकिन अगर वही चीज आप लोगों ने एक कंपनी फॉर्म की हुई होगी और सप्लायर ने कंपनी को माल सप्लाई किया होगा या आपने आपके कस्टमर ने कंपनी से चीजें खरीदी होंगी, तो आपके ऊपर उसका असर तो आएगा लेकिन इतना ज्यादा उसका असर नहीं आएगा, क्योंकि आप कहेंगे भाई कंपनी ने लिया था और कंपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी और एंटिटी है, जैसे हमने शुरू में बात की, हमारा पॉइंट नंबर वन था। तो इस बेसिस के ऊपर आप के ऊपर पूरी की पूरी लायबिलिटी नहीं आएगी, वहां तक पोजीशन नहीं पहुंचेगी जहां पे खुदा ना खास्ता आपको अपना घर या अपने एसेट्स या अपनी चीजें बेचनी पड़े अपना यू नो बिजनेस के नुकसान को पूरा करने के लिए। बिजनेस का नुकसान उसी हद तक पूरा होगा जिस हद तक कंपनी के अंदर पैसा मौजूद होगा या कंपनी के अपने एसेट्स मौजूद होंगे। ये लेकिन बुरे हालात की मैं बात कर रहा हूँ, अल्लाह ना करे किसी को पर ऐसा वक्त आए, लेकिन आपको अच्छे और बुरे दोनों वक्तों के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं। और लास्टली, जो बिल्कुल मैंने अपने यू नो ओपनिंग में बात की थी आप लोगों से, वो ये कि आपको अपने कॉम्पिटिटर्स से और अपनी बिजनेस को सेफ रखने के लिए भी जरूरी है कि आपने कंपनी फॉर्म की भी हो, यानी कंपनी ताकि अगर कोई आपके नाम से बिजनेस करना शुरू करे या आपके नाम से लोगों से वादे करना शुरू करे कि जी हमारी कंपनी जो है वही, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि जी आपकी आप लोग कॉर्नफ्लेक्स की कंपनी आप लोग चलाते हैं, और लेट्स एज्यूम कि मैं आपसे कहूँ कि जी फौजी कॉर्नफ्लेक्स पाकिस्तान के मशहूर कॉर्नफ्लेक्स हैं, और कोई और आदमी आ जाए, मसलन मैं जो है फौजी के नाम का डब्बा प्रिंट करूँ और उसके कॉर्नफ्लेक्स डाल के बेचना शुरू कर दूँ,
तो मुझे फौजी की कंपनी जो है वो आके मुझे पकड़ सकती है कि भाई ये आप फौजी कॉम्प्लेक्स आप नहीं बेच सकते, क्योंकि ये तो हमारी कंपनी है, हम लोग बेचते हैं, और वो मेरे ऊपर इसके ऊपर कानूनी चाराजोई जो है वो भी कर सकते हैं, मुझे पुलिस के पास भी रजिस्टर करवा सकते हैं कि भाई ये जो है गलत काम कर रहे हैं और हमारी बिजनेस को चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सिर्फ तो जैसे पॉसिबल, क्योंकि उन्होंने एक कंपनी फॉर्म की हुई थी, इसी अगर उनकी कंपनी नहीं होती कोई, वो भी घर से ऑपरेट कर रहे होते तो वो मुझे पकड़ ही नहीं सकते। मैं कहता जी मेरी मर्जी, मैं जो भी कर रहा हूँ, तो वो वाला इसके अंदर मसला आ जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा प्लीज, कि देर आर यानी मेनली जब वैसे तो कंपनी बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं, लेकिन मैं इस वक्त बेसिकली तीन टाइप्स की कंपनीज के ऊपर आपसे बात करूंगा, जिसमें पहली कंपनी है, सब ये क्लिक करते जाइएगा कि करके आप चाहे चारों ही तीनों पॉइंट्स ही खोल लीजिए एक साथ। एक कंपनी होती है जिसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहा जाता है। सोल प्रोप्राइटरशिप वो होती है कि जिसमें आप जो है एज अ बिजनेस आप लोग रजिस्टर हुए हुए होते हैं। क्या वो हसन साहब नहीं है? नहीं, मैं आ गया, मैं बात कर रहा था कुछ और। अच्छा बोले अच्छा बोले, कीप गोइंग। अच्छा तो इसमें एक कंपनी होती है जिसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप वो होती है कि एक इंडिविजुअल अकेले अपना बिजनेस कर रहा हो और उसको लेकर चल रहा हो। दूसरी कंपनी का फॉर्मेट ये होता है जिसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं, जिसमें कम से कम दो लोग मौजूद हों और वो दो लोग ये काम करते हों कि वो मिलकर पार्टनरशिप में बिजनेस चला रहे हो और उसको लेकर चल रहे हो। और तीसरा होता है कि हम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म करें, ठीक है ना? तो ये बेसिकली तीन टाइप्स की कंपनीज होती हैं जो कि आप लोगों के, इस सब कंपनीज तो और भी किस्म की होती हैं, लेकिन आप लोगों के एट दिस स्टेज ये तीन कंपनीज अगर आपकी समझ में आ जाएं तो आप लोगों के लिए यू टू स्टार्ट विद इज गुड इनफ, और यहीं से आप लोगों को इसको लेके चलना चाहिए। अच्छा, अब मैं अगर इसकी डिटेल में आऊं तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, यानी हसन साहब आप अगली स्लाइड कर दीजिएगा प्लीज, कर दिए जो कर प्रोप्राइटरशिप होती है वो बेसिकली उसके अंदर भी दो हिस्से होते हैं। तो सोल प्रोप्राइटर वो होता है कि जिसके अंदर आपने अपना बिजनेस शुरू किया और आपने अपने नाम के साथ ही एफबीआर में, एफबीआर बेसिकली फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है जो कि सारी कंपनीज के लीगल एलिमेंट्स को, इनकम टैक्स को और कॉर्पोरेट टैक्स को, सबको देखता है वो। तो एफबीआर के रिकॉर्ड्स के अंदर आप अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं कि जी मेरा, मैं एज अ सोल प्रोप्राइटर एक कंपनी चला रहा हूँ और वो कंपनी जो है बिजनेस करेगी तो मैं उसका एक अलग बैंक अकाउंट खोलूंगा और उसके थ्रू काम करूंगा। अच्छा, सोल प्रोप्राइटर, इन सब बातों से पहले मैं, सॉरी, एक पॉइंट आप लोगों को और बताना चाहूंगा कि ये याद रखिएगा कि आप लोगों को, अगर अभी तक आप लोग नहीं हुए हैं रजिस्टर, तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अपने आप को एफबीआर पर रजिस्टर जरूर करवा लें एज इंडिविजुअल। जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं उन सबको एज एन इंडिविजुअल एफबीआर पर रजिस्टर होना चाहिए, और आप लोगों का एक नंबर होना चाहिए जिसको कहते हैं एनटीएन, यानी नेशनल टैक्स नंबर आप लोगों का होना चाहिए, जिसकी बेसिस के ऊपर आप लोगों की टैक्स में एक आइडेंटिटी बन जाती है। आपकी मेन आइडेंटिटी इस वक्त जो पाकिस्तान की है वो आप लोगों का CNIC है, यानी आपका शनाख्ती कार्ड, और उसका शनाख्ती कार्ड का नंबर आप लोगों की मेन आइडेंटिटी है। लेकिन जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं तो फिर आपको, क्योंकि टैक्स अथॉरिटी से रजिस्टर होना होता है, तो आपका एक NTN भी बनता है जिसको नेशनल टैक्स नंबर कहा जाता है, और वो आपका आपका होना बड़ा जरूरी है। क्योंकि आप जो भी बिजनेस करेंगे, चाहे आप एज अ सोल प्रोप्राइटर करें, एज अ पार्टनरशिप करें, एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करें, हर चीज में आपका NTN नंबर सबसे पहले होना बहुत लाजमी होगा। तो वो तो चाहे आप लोग यू नो आगे जब भी आप बिजनेस शुरू करने का इरादा है वो आप लोगों की अपनी मर्जी है, या आप लोग अभी भी बिजनेस कर रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन NTN के लिए आप लोगों को फॉरन रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को आगे चल के जब अपनी बिजनेस करने का फैसला कर ही लिया है तो ये बड़ा जरूरी है। तो कमिंग बैक टू द सोल प्रोप्राइटरशिप, अब सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर होता ये है कि जी आपने आपका जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी थी उसके साथ ही आपने अपने आप को अटैच कर दिया। इसके बहुत फायदे हैं, फायदे इसके मेनली ये हैं कि आप बेसिकली आपका सिलसिला ये होता है कि आप बहुत जल्दी कंपनी खोल रहे थे। अगर आपका NTN बना हुआ है तो आपको सोल प्रोप्राइटर के तौर पर रजिस्टर होने में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होती, आप फॉरन रजिस्टर हो जाते। आपको सिर्फ एक बिजनेस नेम चाहिए होता है कि जी आपका बिजनेस नेम क्या है और आपका बिजनेस
एड्रेस क्या है, और आपको ये पता होना चाहिए कि आप बिजनेस कर क्या रहे हैं, आप क्या बिजनेस करना चाहते हैं, उसकी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, और उस बेसिस के ऊपर आप एज अ सोल प्रोपराइटर रजिस्टर हो जाते हैं। इसमें नुकसान भी है, जाहिर है फायदा तो ये हो गया, और जाहिर है इसकी फिर कॉस्ट भी बहुत ही कम आती है। मसलन आप अगर किसी भी अकाउंटेंट के पास या किसी के पास जाकर रजिस्टर होने की कोशिश करें तो 5 से 10 हज़ार रुपए के अंदर आपको इजीली रजिस्टर कर दिया जाता है एज अ सोल प्रैक्टिशनर, एज अ सोल प्रोपराइटर आप अपनी बिजनेस चला सकते हैं, एंड दैट टेक्स अराउंड अ वीक और 10 डेज, इसके अंदर आपकी बिजनेस स्टैब्लिश हो जाती है। लेकिन जो इसमें सबसे बड़ा नुकसान है, वो नुकसान सोल प्रोपराइटर बनने में ये है कि आप लोगों का नाम या आप लोगों की बिजनेस नेम जो है वो प्रोटेक्ट नहीं हुआ होता। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कंपनी एज अ सोल प्रोपराइटर अपने पास रजिस्टर कर ली जिसका नाम है एबीसी कंपनी, तो अगर आप लोग चाहें तो आप में से कोई भी एक और बंदा भी एबीसी कंपनी खोल सकता है, उसका भी बैंक अकाउंट एबीसी कंपनी के नाम से होगा, मेरा भी बैंक अकाउंट एबीसी कंपनी के नाम से होगा, कोई पांचवा आदमी भी खोलना चाहेगा तो उसका भी कंपनी जो है वो एबीसी कंपनी हो जाएगी। तो आप कंपनी का नाम जो है प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, और वो नाम जो है फिर आप किसी कस्टमर के पास गए, आपने कहा कि जी मैं एबीसी कंपनी से आया हूँ, वो कहेंगे जी एबीसी कंपनी से तो एक और साहब भी होके गए, हमने तो बिजनेस उनको दे दिया, क्योंकि आप लोगों की कंपनी प्रोटेक्टेड नहीं थी, तो कोई भी वो नाम इस्तेमाल कर सकता है, आपने भी इसीलिए कोई नाम इस्तेमाल किया। तो आपको जब एज अ सोल प्रोप्राइटर आप रजिस्टर हो रहे होते हैं तो आपको ये चेक भी नहीं करना होता कि वो नाम क्या पहले कोई और इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, क्योंकि उसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो ये इसके अंदर एक बहुत बड़ा मसला है कि जहां पे आपका नाम जो है वो कोई और भी इस्तेमाल कर रहा होगा तो आपको पता नहीं होगा। एंड एट द सेम टाइम जब आप यू नो बिजनेस करेंगे कुछ और करेंगे तो वो उसमें आपकी कोई प्रोटेक्शन नहीं होगी। इसी तरीके से आपका जब आप किसी किस्म का इंटेलेक्चुअल अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, अनलेस कि आप दूसरी अथॉरिटी से रजिस्टर हो जाए, फिर तो आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। ट्रेडमार्क एसोसिएशन के साथ आप रजिस्टर हो जाएं, आप अपने पेटेंट को रजिस्टर करवा लें तो वो एक अलग बात है, लेकिन अदर देन दैट आपकी कंपनी जो है वो किसी चीज को रजिस्टर नहीं करेगी एज अ सोल ट्रेडर। तो इसके अंदर सोल प्रोप्राइटर के अंदर एक और ऑप्शन होता है जो कि बेसिकली ऑप्शन होता है सिंगल मेंबर कंपनी के रजिस्टर होने का, जैसे कि SECP, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है SECP। SECP से बनता है स्टॉक एक्सचेंज कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान। स्टॉक एक्सचेंज कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान वो कंपनी है कि जो कि सारी कंपनीज को, जो कि रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं अदर देन सोल प्रोप्राइटर्स, वो उनको सोल ट्रेडर्स वो उनको मैनेज करती है SECP। आप लोगों को पता होना चाहिए कि SECP क्या है और वो क्या काम करती है, और SECP के पास एज अ सोल प्रोप्राइटर भी आप रजिस्टर हो सकते हैं, और वो रजिस्ट्रेशन जो होती है वो रजिस्ट्रेशन कहलाती है SMC रजिस्ट्रेशन। SMC का मतलब होता है सिंगल मेंबर कंपनी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये जितने नाम मैं ले रहा हूँ आप लोगों गौर से सुनने होंगे, क्योंकि आखिर में आप लोगों का टेस्ट होगा और मैं सब लोगों से पूछूंगा कि इसका क्या क्या मतलब होता है, और अगर उस टेस्ट में आप लोगों ने नंबर नहीं लिए तो फिर आप लोगों को सबको चाय पिलानी पड़ेगी जितने भी वहां पे बैठे हैं। ठीक है जी, तो इसलिए गौर से सुनिएगा कि SECP क्या होता है, SMC क्या होता है, और बाकी चीजें। तो आपको SMC के तौर पे आप SECP के ऊपर रजिस्टर हो सकते हैं, जो कि एक सिंगल मेंबर कंपनी की रजिस्ट्रेशन होती है। उसके अंदर आपको ये प्रोटेक्शन जरूर मिल जाती है कि जहां पे आप जो है ना इजिली अपने नाम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और आपका नाम जो भी SMC में रजिस्टर हुआ होगा वो कोई और वो नाम नहीं ले सकता, वो नाम आप ही का नाम होगा और उसी के ऊपर आपका बैंक अकाउंट वगैरह खुलेगा और सारी डिटेल्स होंगी। दूसरी कंपनी जो आप फॉर्म कर सकते हैं वो एज अ पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं, ये नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर है। पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर सिलसिला ये होता है कि जाहिर है अगर बहुत से लोग आप लोग यहाँ पे जो बैठे हुए हो सकता है दो लोग या ठीक है सर आगे सेकंड स्लाइड आ गई आपके सामने। यस सर, पार्टनरशिप फॉर्म, और उसके एक और दफा क्लिक कर दीजिएगा तो रेड बॉक्स भी खुल जाएगा, रेड बॉक्स भी उसका खुल गया होगा जिसके अंदर रिक्वायरमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन आ रही होंगी। सॉरी आपको बार बार जहमत हो रही है, कोई इशू नहीं है सर, बस ये रेड बॉक्स ओके। अब इस अच्छा जी, अब इसमें बेसिकली पार्टनरशिप में ये होता है कि आप लोग अगर एक आदमी नहीं दो आदमी मिलके या तीन आदमी मिलके एक बिजनेस कर रहे हैं
तो वो इसको लेके चल सकते हैं, और उसमें फिर आप एज अ पार्टनर यानी एज अ पार्टनर आप लोग काम कर सकते हैं, और उसमें जाहिर है अगर एक आदमी ने मेहनत की है तो या एक एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ने मेहनत की और सब उसमें बराबर हिस्सा चाहते हैं तो वो लोग उसमें पार्टनर बनना चाहेंगे, वो ये नहीं चाहेंगे कि एक ही आदमी उस कंपनी का ओनर हो। और फिर जाहिर है कुछ बिजनेसेस के नेचर भी ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर पार्टनर्स होना जरूरी होता है। तो दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप एज पार्टनरशिप कंपनी अपनी रजिस्टर करें, लेकिन पार्टनरशिप ऑप्शन उस वक्त बेहतर होता है कि जब जाहिर है कि दो इक्वल लेवल के लोग आमतौर पे साथ बिजनेस कर रहे हों और उनकी एफर्ट्स भी तकरीबन बराबर ही हों। जो नेचर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस किस्म की हो कि एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बजाय दूसरे का काम ना चल सके और दूसरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बजाय पहले का काम ना चल सके, तो कंपनी के लिए दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो। पार्टनरशिप आमतौर पे इक्वल लेवल के ऊपर होती है। पार्टनरशिप में ये नहीं हो सकता कि कोई कहे कि बड़ा पार्टनर हूँ मेरे ज्यादा शेयर्स हैं, कोई कहे कि जी मैं छोटा पार्टनर हूँ मेरे कम शेयर्स हैं। पार्टनरशिप के में जाहिर है एक होते हैं, अगर मैं पार्टनरशिप की डिटेल में जाऊँ तो उसमें सैलरीड पार्टनर्स भी होते हैं और उसमें प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर्स भी होते हैं, और वो फिर एक अलग लेवल की बात हो जाएगी और वो फिर हम कभी बाद में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर जो मसला होता है वो मसला ये होता है कि आप मैक्सिमम पाकिस्तान के लॉ के हिसाब से 20 पार्टनर्स तक जा सकते हैं अगर आप कोई ट्रेडिंग कंपनी आप चला रहे हो, अगर आप कोई प्रैक्टिसिंग फर्म चला रहे हो या कोई टैक्स कंपनी हो या कोई कंसल्टेंसी फर्म हो तो उसमें पार्टनर्स आपके ज्यादा हो सकते हैं। अदरवाइज आपकी इसके अंदर एक लिमिट होती है जिसके अंदर आपको अपने पार्टनरशिप जो है वो मैनेज करनी होती है, और फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन होती है वो एसोसिएशन ऑफ पार्टनरशिप के तौर के ऊपर होती है, वो ना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, ना वो सोल ट्रेडर होती है, ना वो सिंगल मेंबर कंपनी होती है, उसको AOP कहा जाता है, विच इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन या एसोसिएशन ऑफ पार्टनरशिप, यहाँ पे लिखा हुआ बहरहाल वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है, AOP इसको कहा जाता है। तो और ये जब आप पार्टनरशिप फॉर्म करने जाते हैं तो उसमें जनरली आपका जो इनिशियल पार्टनरशिप फॉर्म करने का खर्चा आमतौर पर मार्केट के अंदर 25,000 से 30,000 रुपए के अंदर होता है। इसके अंदर टाइम तकरीबन आपको महीने के करीब लग जाता है कंपनी फॉर्म करने के अंदर, यानी पार्टनरशिप फॉर्म करने के अंदर, और फिर उसमें जाहिर है रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं। इसमें एक बात जरूर याद रखिएगा कि पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर हर इंडिविजुअल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस जिम्मेदार होता है, अगर खुदा ना खास्ता कंपनी को किसी किस्म का नुकसान हो तो उस नुकसान को भरने के लिए पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वो उसके अंदर उनको पूरा कंट्रीब्यूट करना होता है, चाहे उनके अपने एसेट्स ही क्यों ना उसमें यूटिलाइज हो जाए। अब अगर हम तीसरी लेवल की कंपनी के ऊपर जाएं जो कि नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर है, वो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म करना। नेक्स्ट स्लाइड आप लोगों की आ गई है आप लोगों के सामने? यस सर आ गई। ये हसन साहब बेवफाई कर गए, उन्होंने मुझे कहा था कि वो चला रहे हैं। अच्छा जी, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है वो सबसे इस वक्त आप लोगों के बिजनेस मॉडल के हिसाब से सबसे आइडियल और सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर आप लोग वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म कर सकें अच्छा आइडिया और सबसे अच्छा होगा, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर ये होता है कि आप लोग डायरेक्टर्स बनते हैं और डायरेक्टर्स बनने के साथ आप लोगों की इसके अंदर शेयर होल्डिंग होती है। आगे चल के इंशाल्लाह अगर आपको कोई इन्वेस्टर मिलता है या आप लोग आगे चल के अपनी बिजनेसेस को किसी के साथ शेयर करते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर आप डिसाइड कर सकते हैं कि भाई मैं किसी पार्टनर को 5% शेयर दूं अपनी बिजनेस का, 10% शेयर दूं, 25% शेयर दूं, या जो भी आप लोग डिसाइड करें, तो वो आप शेयरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर बहुत आसानी के साथ पॉसिबल होती है और उसको लेके चल सकते हैं। आप सिंगल मेंबर कंपनी के अंदर शेयर्स नहीं दे सकते, आप इसी तरीके से सिंगल आप सोल प्रोप्राइटर के अंदर या सोल ट्रेडर के अंदर भी आप शेयर्स नहीं एलोकेट कर सकते। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर ये फायदा है कि आप शेयर्स दे सकते हैं। अगर आप पार्टनरशिप के ऊपर एसोसिएशन ऑफ पर्सन के ऊपर जाएंगे तो उसमें शेयर्स की एलोकेशन नहीं होती बल्कि पार्टनरशिप दे दी जाती है। तो इसलिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को आप लोग जब जैसे आपकी बिजनेस ग्रो करे तो आप लोग इसको माइंड में रखें और उसको यू नो अल्टीमेटली आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी चाहिए।
और उसके ऊपर इसको लेके चलना चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर भी आपका नेम भी प्रोटेक्टेड होता है, आपको एक एक अप्रूवल कंपनी नेम अप्रूवल से आपको गुजरना होता है, आपको सर्टेन डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होते हैं और आपको एक ऑडिटर सर्टिफिकेट भी जमा कराना होता है शुरू में, कि जब आप अपना शेयर कैपिटल एक बैंक के अंदर एक बैंक में डिपॉजिट कराते हैं तो एक ऑडिटर सर्टिफिकेट भी उसके साथ साथ जमा किया जाता है। तो ये जो है तीसरी फॉर्म ऑफ कंपनी है जो कि आप लोगों को को कंसिडर करना चाहिए और आप लोगों को देखना चाहिए। अब इसमें अगर हम चले जाए तो सॉरी किसी को ये स्लाइड चलानी पड़ेगी और शायद वहीं पे खड़ा भी रहना पड़ेगा स्लाइड के साथ ही, वो जो भी है। कोई शुक्रिया सर, कोई शुक्रिया। आपका नाम क्या है? अफाक अहमद। स्लाइड वाला आपकी आज अफाक साहब आपकी शामत आ रही है आपको इसके ऊपर। सारी ये पूरी स्लाइड खोल दी आपने? अच्छा जी, अब इसमें जो बेनिफिट्स हैं वो मैंने आप लोगों को डिफाइन कर दिए कि एक तो इसकी जाहिर है कंटिन्यूस लाइफ होती है, खुदा ना खासा किसी एक डायरेक्टर को कुछ हो जाए, उनकी तबीयत खराब हो जाए या वो इंतकाल हो जाए या कुछ हो जाए तो कंपनी को कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, कंपनी अपने तौर पे चलती रहती है, जो कि एसएमसी में नहीं होता। एसएमसी में अगर डायरेक्टर को खुदा ना खास्ता इंतकाल हो जाए या तबीयत खराब हो जाए या वो काम करने काबिल ना रहे तो एसएमसी फिर बंद हो जाती है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ये नहीं होता। एक लिमिटेड लायबिलिटी आपकी होती है जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले एक्सप्लेन किया, क्योंकि जो कंपनी की लायबिलिटी होगी या कंपनी के जो एसेट्स होंगे बस उतने की आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, उससे ज्यादा के आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। ओनरशिप जैसे मैंने आपको बताया कि शेयर होल्डिंग आपकी ट्रांसफर हो सकती है, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते, आप अपनी जिंदगी में भी शेयर होल्डिंग किसी और को दे सकते हैं, किसी इन्वेस्टर को दे सकते हैं, अपने घर वाले को दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, या फिर आप एज अ विल जो है आप इसको इंटेंशन अपनी जाहिर भी कर सकते हैं कि जी मेरे शेयर्स किसी को ट्रांसफर कर दिए जाए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में पॉसिबल है। अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनती है इसकी एक रेपुटेशन होती है, एसएससीपी में इसका एक होता है, आप किसी को बताएंगे कि जी आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो लोग पहले ही आपसे इंप्रेस हो जाएंगे कि आप एक हाई लेवल के ऊपर बिजनेस कर चुके हैं और आपने वहां जाके अपनी कंपनी फॉर्म की है। और जाहिर है टैक्स बेनिफिट जैसे मैंने पहले बात की थी, आपको टैक्स बेनिफिट भी इसमें मिलेगा क्योंकि अलाउएबल एक्सपेंसेस आपके इसके अंदर काफी आ जाते हैं और वो काफी फायदेमंद बात होती है। जो आप बैंक अकाउंट रिक्वायरमेंट है वैसे तो वो मैं साथ साथ आपको बताता गया हूँ, लेकिन बैंक अकाउंट रिक्वायरमेंट के अंदर हर एक में जैसे मैंने शुरू बोला कि आप लोगों के लिए बड़ा जरूरी है कि आप लोग अपना एनटीएन और आप लोग एज अ फाइलर रजिस्टर हुए हुए हों। दूसरा आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये कि आप लोगों के पास जब अगर आप पार्टनरशिप फर्म बनाएंगे या आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाएंगे तो आप लोगों के लेटर हेड्स होने चाहिए, आप लोगों की स्टेशनरी प्रिंटेड होनी चाहिए, और फिर जाहिर है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट होता है, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट होता है, वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कंपनी का अपना एक स्टैम्प भी होना चाहिए, रबर स्टैम्प, जिसके ऊपर बेसिकली आप जो भी लेटर्स वगैरह इशू करेंगे या चेक्स वगैरह इशू करेंगे वो एक सर्टन आपको लेटर हेड के थ्रू और एक स्टैम्प के थ्रू आपको इश्यू करना होगा। जो स्लाइड्स अगर आगे बढ़ रही होती तो आपको बढ़ती हुई नजर आ रही होती, लेकिन मैं चलें बात ही कर लेता हूं इसमें। मेरा जो आप लोगों को इसके अंदर मशवरा है, अगर इस पूरे को पूरे सिस्टम को जितना आपको बताया गया अगर उस हिसाब से देखा जाए तो मेरा मशवरा ये होगा कि टू स्टार्ट विद आप लोग सब लोग अपने आप को एज अ सोल प्रोप्राइटर अपने आप को रजिस्टर करें ताकि आप लोग इजीली रजिस्टर हो जाए, इजीली अपना काम लेकर चले, और उसके बाद एक दफा जब आपकी कंपनी ग्रो होना शुरू हो तो फिर आप चाहें तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मूव कर जाएं, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपके पास कम से कम दो लोग होने चाहिए। एक आदमी से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं बनती, एक आदमी से सिंगल मेंबर कंपनी या एसएमसी जो है वो फॉर्म होती है जो कि एसएससीपी पर रजिस्टर्ड होती है और वो लेकर चलते हैं। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए आपके पास कम से कम दो डायरेक्टर हों। अगर आपके पास दूसरा डायरेक्टर नहीं है और आप फिर भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाहते हैं तो फिर बेस्ट ये होता है कि आप बहुत कम शेयर्स देकर या तो अपने भाई को मसलन आपने 2% या 5% शेयर अपने भाई को दिए, अपने बहन को दिए, अपनी वाइफ को दिए, या अपने घर वालों में किसी को भी आपने दिए जिनके पास आप यू नो आप जिनको ट्रस्ट कर सकते हैं और लेके चल सकते हैं, उनको आपने
बहुत ज्यादा शेयर्स नहीं दिए, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए, दो डायरेक्टर दिखाने के लिए आपने उनको कम शेयर्स देके और खुद मेजोरिटी शेयर अपने पास रख के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म कर ली और वो लेके चले। तो टू स्टार्ट विद, मेरा आप लोगों को मशवरा और मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप लोग इसको लेकर चले एज एज अ प्राइवेट एज अ सोल ट्रेडर, एंड देन लेटर ऑन जब आपकी बिजनेस ग्रो कर जाए तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से। तो ये मेरा टोटल आप लोगों के साथ डिस्कशन था आज। अगर आप लोगों को कोई सवालात हैं, आई डोंट नो वो मुझसे कम्युनिकेट हो सकेंगे या नहीं, लेकिन ये कि आई एम अवेलेबल, हसन साहब के पास मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मौजूद हैं, कोई सवालात हों तो वो मैं उसके जवाब दे सकता हूँ।